हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? थोड़े परेशान से लग रहे हैं आप। क्या आपके भी पावर बटन काम नहीं कर रही है? तो आप परेशान क्यों? रविप्रीत टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके परेशानी को मैं अभी दूर करता हूँ। कई बार जब हम पावर बटन का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं तो पावर बटन काम करना बंद कर देती है, और इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। और कितने फोन्स में तो ये प्रॉब्लम अधिकतम आती ही रहती है, और बार बार ठीक कराने पर इसमें कुछ ज़्यादा ही पैसा लगने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविप्रीत, और आज इस वीडियो में मैं पावर बटन के सेटिंग को कुछ आसान कर दूंगा। पावर बटन की एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे पावर बटन बहुत कम यूज होगा, जिससे आपका पावर बटन जल्दी खराब नहीं होगा और आपके पैसे भी बचेंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जब कभी भी आपके फ़ोन का पावर बटन काम न करे तो आप अपने मोबाइल में ये सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना सेटिंग खोल लेंगे। मोबाइल का सेटिंग खोलते ही आपको यहाँ पे मिलेगा लॉक स्क्रीन का ऑप्शन, ये वाला। तो आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करिए। यहीं पे आपको देखिए मिलेगा रेस्ट टू वेक। रेस्ट टू वेक का मतलब होता है जब भी आप अपने फ़ोन को अपने फेस के पास या फिर उठाइएगा तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो अगर आपको इसे ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं, बिना पावर बटन दबाए ये काम करेगा और आपका मोबाइल खुल जाएगा। जो काम पावर बटन करता है वही काम ये भी करता है। और दूसरा ऑप्शन है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक। आपका डिवाइस यदि लॉक रहता है, मतलब जो काम आपका पावर बटन करेगा ये भी वही करेगा। आपका फ़ोन बंद रहेगा तो स्क्रीन पे डबल टैप करते ही आपका फ़ोन खुल जाएगा और आप उसका लॉक करके अपना मोबाइल चला सकते हैं। और पावर बटन का ही काम करेगा, आप अपने स्क्रीन पे डबल टैप करने पर ये बंद ऑफ भी हो जाएगा, ये मोबाइल ऑफ भी हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इस दोनों को ऑन कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल सिर्फ ये ऑन रखता हूँ क्योंकि रेस्ट टू वेक में कभी कभी अपने आप मोबाइल ऑन होते रहता है जिससे बैटरी ज़्यादा ख़त्म होती है। तो ज़्यादा बेहतर होगा डबल टैप टू वेक का ऑप्शन आप ऑन करके रखें। इस ऑप्शन को आप ऑन करके रखें, जब आपका पावर बटन ख़राब भी हो जाएगा तो आप इस ऑप्शन से अपने मोबाइल को खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। और इससे आप अपना पावर बटन का यूज कम करेंगे तो आपका पावर बटन ख़राब होने का चांस भी बहुत ही कम हो जाएगा। जो प्रोसेस मैंने सेटिंग में बताया वो प्रोसेस आप फॉलो करिए, आपके पावर बटन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट में ये भी बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।